तो हमने कैपेसिटेंस के इंट्रोडक्शन के बाद उसकी कैलकुलेशन का आपको असाइनमेंट दिया था। तो कैपेसिटेंस उस लेक्चर में काफ़ी अच्छी तरह से समझा रखा है क्लास के अंदर, तो फिर भी एक बार मैं छोटा सा रिवीजन भी कर देता हूँ, क्लास में जो समझाया और कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ। तो कैपेसिटर जो है ये थर्ड नंबर का इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हम पढ़ रहे हैं। अभी तक अपन ने देखा एक तो बैटरी, राइट, फिर अपन ने देखा था रेजिस्टेंस, ओके, फिर यहां पर अपन ने देखा कैपेसिटर। कैपेसिटर जैसे बैटरी एक्चुअली ऐसे नहीं दिखती, रेजिस्टर एक्चुअली ऐसे नहीं दिखता, वैसे ही कैपेसिटर का भी एक सिंबल होता है। ये सिंबल है बैटरी का, ये रेजिस्टर का सिंबल है, ऐसे कैपेसिटर का सिंबल या तो ये होता है या कभी कभी ऐसे टेढ़ा करके भी बना देते हैं। जब टेढ़ा करके बना रहे होते हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंबल है, ओके। कैपेसिटर क्या है? जैसा हमने लेक्चर में अच्छे से समझा रखा, इट इज डिवाइस टू स्टोर चार्ज। वाई इट इज बेटर देन बैटरी? बिकॉज बैटरी का चार्ज देना डिपेंडेंट है उसकी केमिकल रिएक्शन की रेट पे, जबकि कैपेसिटर का चार्ज देने का रेट कोई केमिकल रिएक्शन पे बेस नहीं है। आप जितना जल्दी इससे ले सके ले लीजिए, लास्ट में जाके हम लोग देखेंगे कि किस रेट से चार्ज दिया जा सकता है, करंट का फंक्शन वगैरह क्या आता है, वो सब देखेंगे अपन। बट एसेंशियली वो अंदर के किसी मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चार्ज की जरूरत पड़े, कभी बड़े करंट की जरूरत पड़े, एकाएक छोटी देर के लिए बड़े करंट की, तो कैपेसिटर इज ए यूजफुल डिवाइस। तो तीन तरह की ज्योमेट्री हमें पढ़ाई जाती है, तो मैं तीनों तरह की ज्योमेट्री आप लोगों को दी थी, तो वो मैं डिराइव करके दिखा। सबसे पहले सबसे यूजफुल सवालों में सबसे ज़्यादा जो यूज होती है पैरेलल प्लेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लार्ज टू लार्ज आइडेंटिकल प्लेट्स आर कैप्ड क्लोज टुगेदर। टू लार्ज आइडेंटिकल प्लेट्स आर कैप्ड क्लोज टुगेदर, कहने का मतलब कि हमने दो प्लेट्स ली, आर कैप्ड क्लोज टुगेदर, पैरेलल टू ईच अदर, क्लोज एंड पैरेलल भी था यार, क्लोज एंड पैरेलल भी लिख देते हैं, इस तो नाम में है क्लोज एंड पैरेलल, ठीक है। टू लार्ज आइडेंटिकल प्लेट्स आर कैप्ड क्लोज एंड पैरेलल। यहाँ पे आप देखेंगे हम पैरेलल प्लेट्स के शेप की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट्स याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ शेप हमने प्रूफ किया था कि यदि हम प्लेट के पास में रहें तो जो फील्ड है वो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, राइट। तो इसलिए शेप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि दे शुड बी completely superimposing each other, right? वो parallel रखिए and superimposing, close parallel और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं and superimposing each other, कहने का मतलब यदि मैं इन हाथों को बहुत पास पास रखूँ तो parallel plate capacitor बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, जब तक ये ऐसे रखे हुए, ऐसे रखे हुए तब फिर वो है तो कुछ कैपेसिटर ही है, बट फिर वो हमारे फॉर्मूले जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो नहीं लगेगा, राइट। ऐसे रखने का, ऐसे भी नहीं रख सकते, पैरेलल रखना है, और सुपर इम्पोजिंग ऐसे नहीं रख सकते, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, राइट। ऐसे होना चाहिए कि आपको एक ही हाथ दिखे, परपेंडिकुलर में देखे तो ऐसे सुपर इम्पोजिंग रख दीजिए। इसको हमने चार्ज दिया प्लस क्यू,
और इसको दे दिया माइनस क्यू, ज़बरदस्ती दिया ताकि हम कैलकुलेट कर सकें, नहीं तो कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन जो कैपेसिटेंस की है दैट इज़ क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। तो जब तक चार्ज देंगे नहीं तो कैसे निकलेगा क्यू का मतलब, हमने बहुत डिटेल में समझाया टोटल चार्ज और कैपेसिटर नहीं तो जीरो हो जाएगा, चार्ज दैट कैन फ्लो व्हेन यू कनेक्ट, वो समझा रखा है अच्छी तरह से। तो ऑब्वियसली दिन को कनेक्ट करेंगे तो पूरा चार्ज फ्लो कर जा सकता है, तो क्यू तो पता ही है। नाउ ऑल वी नीड इज डेल्टा वी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से यदि हम फील्ड लिखें राइट, तो एक तो सारा प्लस चार्ज इधर आ चुका होगा इस वाले फेस पे, और इसकी वजह से हम यहाँ पर फील्ड लिखें पॉजिटिव वाले की वजह से, तो इस दिशा में आएगी और उस फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा विच इज क्यू बाय ए बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ऐसे माइनस प्लेट की वजह से रखें, ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, उसकी वजह से फील्ड खुद की तरफ ही होगी। साइन यूज नहीं करेंगे, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छी तरह से सारी बातें समझा रखी है। तो हैंस नेट फील्ड कितनी होगी इन दोनों के बीच में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सम कर लीजिए अपॉन ये हो गई। एंड लेट्स से इनके बीच में दूरी है डी, तो यदि इनके बीच में दूरी है डी तो डेल्टा वी कितना हो गया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। हेंस कैपेसिटेंस इज क्यू बाय सो दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यू वन क्यू टू लेके डिराइव किया जा सकता है, बट वो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस, अच्छी खासी तो नहीं सिंपल सी प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपने कंडक्टर्स में पैरेलल प्लेट पढ़ा था उसकी, ठीक है। अब हम ले लेते हैं स्फेरिकल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल, या शेल्स बोल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं आर वन आर टू रेडियस की, और यदि मैंने अंदर वाली शेल को प्लस क्यू चार्ज दिया, बाहर वाली को माइनस क्यू चार्ज दिया, तो बाहर वाली शेल का सारा चार्ज अंदर वाली सरफेस पे आ जाएगा, अपन ने प्रूफ किया हुआ है। अंदर वाली शेल का सारा चार्ज बाहर वाली पे आ जाएगा, सब प्रूफ किया हुआ है, रटना है तो रट लीजिए, बाकी हमने प्रूफ किया हुआ है। नाउ हैविंग सेड दैट, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V2 माइनस V1 करना है अपन को, राइट। तो V2 तो हो जाएगा K माइनस Q बाय R1 प्लस K Q बाय R1, बाहर वाली शेल का पोटेंशियल तो यही होगा खुद की वजह से, उसकी वजह से अंदर वाली शेल का लिख लेते हैं अपन, वो होगा K Q by R1 and plus K of minus Q by R2 so delta V modulus में लिख रहा हूँ मैं, वो निकालें तो 1 by 4 pi epsilon naught Q R2 माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू, ये हो जाएगा डेल्टा वी। और कैपेसिटेंस निकालेंगे तो दैट इज क्यू बाय डेल्टा वी कर दीजिए,
So it comes out to be 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1. So this is capacitance of concentric shells. वर्मा जी ने इसको पूरा इंटीग्रेट वगैरह करके निकाल दिया, नो प्रॉब्लम्स, वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लास्टली कोएक्सियल सिलेंडर्स. कोएक्सियल लॉन्ग सिलेंडर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास में दो सिलेंडर है बड़े लंबे से. इनर रेडियस R1, आउटर वाले की रेडियस R2. अब यहां पे Q चार्ज देंगे अपन, तो अपन यदि इन्फाइनाइट लेंथ लेके बैठे तो इन्फाइनाइट चार्ज हो जाता है, तो इसलिए अपन यहाँ पे लैम्डा की तरफ से बात कर रहे हैं कि इसको प्लस लैम्डा चार्ज दिया, इसको माइनस लैम्डा चार्ज दिया. और यहाँ पे चाहे तो फील्ड से निकाल लीजिए, नहीं तो पोटेंशियल से निकाल लीजिए, नहीं तो बाहर वाली शेल का अंदर तो कुछ फील्ड आता नहीं है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सीधा सीधा यदि आपको याद हो तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर वाली केस ही आएगा. दैट वुड बी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 by R1. यही काम आप उधर भी कर सकते थे, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है दोनों के बीच का, वो असेंशियली इसकी ऐसे कुछ है नहीं, तो इसकी वैसे ही लिखना, तो सीधे सीधे इसकी ऐसे भी लिख सकते थे. पोटेंशियल डिफरेंस दैट वुड बी KQ, R1 से R2 तक जाएंगे तो 1 by R1 minus 1 by R2. यही अपन ने वहां पे किया, तो वो सीधे भी लिख सकते थे, वो काम यहाँ पर अपन ने सीधे कर दिया. और बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर Q बाय डेल्टा V की फॉर्म चाहिए, तो इस डेल्टा Q बाय L की फॉर्म डेल्टा V की फॉर्म चाहिए, तो लैम्डा को मैं लिख दे रहा हूँ Q बाय L. तो इसको यदि अपन Q बाय डेल्टा V करें तो क्या बन जाता है, Q बाय डेल्टा V और 1 बाय L भी इसके साथ ही छोड़ रहा हूँ मैं, वुड बी 2 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R1. तो ये जो रिजल्ट आया, ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ का रिजल्ट आता है, ये थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना, क्योंकि चार्ज जो है वो अपन इनफाइनाइट टाइप्स नहीं दे रहे थे. और ये भी कब आया, जब हम लोग बीच के सेक्शन को देख रहे हैं, मतलब एंड के सेक्शन से बहुत दूर है, तब ये रिजल्ट आया. राइट, थोड़ी सी इस बात को मैं यहाँ पे भी याद दिलाना चाहूंगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी हम कह तो सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग बीच के सेक्शन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उनको क्लोज टूगेदर. राइट, लेकिन फिर भी ये कैपेसिटेंस बीच के सेक्शन का होता है, क्योंकि एज के पास जाएंगे तो एज के पास फील्ड का फॉर्मूला फिर बैलेंस नहीं रहेगा. राइट, तो ये बीच के सेक्शन के. सो ये तीनों कैपेसिटेंस हमने आपको डिराइव करके दिखा दिए, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो अच्छा है.